जिम्मेवारी कोई दे सकता है वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस के अंदर तो अगर किसी ने यूं भी कह दिया ना भी मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं उसी ने कुचल दिया। न्याय, ये सरकार हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली सरकार, और घमंड इतना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान तक पहुंच। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज। हरियाणा में जाट और दलित समाज, ये दो वोट बैंक हैं जिसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। अगर तमाम राजनीतिक पार्टियों में से अगर हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जाट वोट बैंक को साधने के लिए जहां एक तरफ दो पहलवानों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाने के साथ साथ विधानसभा सीट सौंप दी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी जाट वोट बैंक को साधते हुए तो शाम से पूर्व विधायिका किरण चौधरी और राज्यसभा सांसद की बेटी श्रुति चौधरी को तो शाम से टिकट दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जाट वोट बैंक को साधने के साथ साथ दलित वोट बैंक को साधने के लिए अब एक और तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बड़ा ऑफर कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री को दिया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें जिस दिग्गज नेत्री की चर्चा हो रही है वो सिरसा से सांसद हैं। सिरसा से कांग्रेस पार्टी की सांसद कुमारी सैलजा जो दलित चेहरा हैं, जो एक महिला चेहरा भी हैं, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए अभी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हुई नजर आ सकती हैं। दरअसल कुमारी सैलजा किस तरीके से मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, ये तमाम राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा लगातार देखने को मिल रही है। कुमारी सैलजा कांग्रेस पार्टी के तहत एक ऐसा चेहरा बनी है जो पहले गुटबाजी के आधार पर देखी जा रही थी, जहां एक तरफ गुट देखा जा रहा था उदयभान दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो दूसरी तरफ गुट देखा जा रहा था कुमारी सैलजा किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला का। लेकिन ये गुट तो टूट जाता है, लेकिन अब हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर पेच फंस जाता है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा जहां भारतीय जनता पार्टी में आपसी सहमति नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर देती है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व पर लड़ा जाएगा हरियाणा का विधानसभा चुनाव, तो वहीं राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज लगातार बागी तेवर आजमाते हुए नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो ये स्पष्ट कर दिया था कि वो तो चुनाव के बाद तय करेंगे कौन होगा हरियाणा का मुख्यमंत्री चेहरा, लेकिन अभी से दबाव की स्थिति पैदा हो गई है कुमारी सैलजा के जरिए, क्योंकि कुमारी सैलजा ने कहा है कि अगर आलाकमान द्वारा फैसला चुनाव परिणाम के आधार पर लिया जाएगा, लेकिन सबकी लालसा सबकी उम्मीद होती है। लेकिन इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी देखे जाते हैं, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कुमारी सैलजा को लेकर करते हैं। जब कुमारी सैलजा को लेकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी क्या दलित विरोधी पार्टी है क्या, एक तरफ जाट वोट बैंक को साधने के लिए तो दूसरी तरफ दलित वोट बैंक को नाराज करती हुई नजर आ रही है। कुमारी सैलजा पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सफाई दी कि ये मेरी छोटी बहन सम्मान है, मैं इनका आदर सम्मान करता हूँ, और अगर कुमारी सैलजा के खिलाफ कोई भी एक शब्द निकालता है तो उसको तुरंत पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बयान देते हैं, बयानों से पलटते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, लेकिन सम्मान के जरिए कुमारी सैलजा के प्रति नजर आते हैं। लेकिन कुमारी सैलजा की चुप्पी ये दर्शाती है कि क्या नाराजगी पार्टी को छोड़ देगी, जिस तरीके से किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ दी थी अपनी बेटी श्रुति चौधरी को लोकसभा टिकट ना मिलने की वजह से। अब ये कहा जा रहा है कि सीएम रेस में कुमारी सैलजा अपने आप को देख तो रही है, लेकिन ये खामोशी दर्शाती है कि क्या कांग्रेस पार्टी से इतर हटती हुई नजर आएंगे। इस बीच में मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें एक बड़ा ऑफर दिया जाता है। मनोहर लाल खट्टर एक बड़ा ऑफर देते हुए नजर आते हैं कुमारी सैलजा को। दावा किया जाता है कि कुमारी सैलजा
भारतीय जनता पार्टी में आज। इसी के साथ साथ हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुमारी सैलजा को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर साबित होते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कुमारी सैलजा का नाम लिए बगैर कांग्रेस पार्टी पर हमला साधते हुए नायब सिंह सैनी कह रहे हैं, देखिए जरा। और इस ऐतिहासिक स्थल गोहाना अड्डा मुझे याद आ रहा है, मैं यहाँ पैदल घूमता था। ये रोहतक हमारी कर्मस्थली रही है। मैं बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रह करके पार्टी का काम किया है। पार्टी के काम के लिए यहाँ रहना पड़ता था, परंतु मेरे को ये मालूम नहीं था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुझे ही ये सेवा का मौका दे करके यहां बैठा देंगे। मैं तो भाई अपनी तैयारी कर रहा था कुरुक्षेत्र से, अगर वहीं तो चुनाव लड़ागे, परंतु इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है एक गरीब परिवार के बेटे, किसान और पिछड़े समाज के बेटे को अगर इतनी बड़ी जिम्मेवारी कोई दे सकता है वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस के अंदर तो अगर किसी ने यूं भी कह दिया ना भी मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, उसी ने कुचल देंगे। परिवारवाद चलता है, परिवारवाद से बाहर नहीं निकलते, और जब परिवारवाद चलता है तो गजब का सिनेरियो देखने को मिला। भाई नायब सिंह सैनी तो कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ अन्याय नहीं करती बल्कि दलितों के साथ खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी से दलित चेहरा सीएम बन सकता है, पिछड़े वर्ग का चेहरा सीएम बन सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा नहीं होने देगी। इस बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी और कुमारी सैलजा भी प्रचार प्रसार में नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि आज एक बड़ा रोड शो, एक आज बड़ा कार्यक्रम होगा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा पहुंचेंगे और अंबाला और घरूदा में उनकी जनसभा होगी। चर्चा की जा रही है कि कुमारी सैलजा मल्लिकार्जुन खड़गे की इस रैली में शामिल होती हुई नजर आ सकती हैं। और इस बीच में दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा करते हुए कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर साबित हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। ये सरकार हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली सरकार, और घमंड इतना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान तक पहुंच गए, लोकसभा चुनाव में कहा कि 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे हैं बीजेपी कि हम संविधान को तोड़ेंगे, लोगों ने इनका घमंड तोड़ दिया, लोगों ने संविधान बचा लिया, अल्पमत की सरकार बनी, 400 पार के नारे की हवा निकल गई। और जब हम लोकसभा में पहुंचे, हरियाणा से भी 5 सांसद हम लोग पहुंचे लोकसभा में पहुंचे तो आपने देखा होगा जब हमने शपथ ली तो हमने जय संविधान का नारा लिया, और जब जय संविधान बोला लोकसभा में हमने शपथ लेते हुए, बीजेपी वाले तिलमिला गए क्योंकि वो बाबा साहब के नाम से तिलमिलाते हैं, संविधान के नाम से तिलमिलाते हैं, बीजेपी वाले तिलमिला गए। और लोकसभा स्पीकर ने आसन से टिप्पणी करी कि जय संविधान नारे की कोई जरूरत नहीं है। और आपने देखा होगा लोकसभा टीवी में 550 सांसदों में आपका एक अकेला ये बेटा खड़ा हुआ और वहीं कहा कि ये जय संविधान के नारे पे आपत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये देश जय संविधान से चलेगा। ये आपने देखा होगा और मुझे कहा उस समय सारी बीजेपी टूट की पड़ी और लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैठ जाओ। मैं उनको कहना चाहता हूं, बैठने की बात आपने कही, इस जय संविधान के नारे को मुझे तो आप बैठ जाओ कह सकते हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का यह संविधान है, मगर जय संविधान के नारे की गूंज को हरियाणा में नहीं बैठने देंगे। जय जवान जय किसान की नारे की गूंज को हम हरियाणा में नहीं बैठने देंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी कुमारी सैलजा को ऑफर दे रही है
तो वहीं कोशिशें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही हैं कुमारी सैलजा को मनाने के लिए। लेकिन इसी जद्दोजहद के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए विकल्प नहीं बचा है, कुमारी सैलजा को मजबूरन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम चेहरे के रूप में आगे करना पड़ सकता है। क्योंकि कुमारी सैलजा की बात करें तो एक दलित चेहरा है, अगर आगे नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट बैंक हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इस आधार पर कहा जा रहा है कि कुमारी सैलजा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद आगे करेंगे, क्योंकि आलाकमान ने नसीहत दे दी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तमाम गुटबाजियों से दूर रहें और यहाँ पर शासन और प्रशासन के आधार पर देखें कि पार्टी में फूट ना पड़ पाए। अब इस बीच में जहाँ तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर कुमारी सैलजा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में राव इंद्रजीत और अनिल विज पर भी दाव खेलने से भारतीय जनता पार्टी बच रही है। और यही वजह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में फूट तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में फूट। अब देखना होगा सीएम रेस को लेकर आखिरकार किसकी गुत्थी सुलझती हुई नजर आती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कुमारी सैलजा क्या हो सकती हैं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का सीएम चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे कुमारी सैलजा के झुकते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।